कितने टाइम में गाय खरीद ली सर आपने? मैंने एक घंटे में खरीद ली, आते ही दे के ओके कर लिया मैंने। पहले सोच रहा था देखूंगा कैसे करूंगा क्या होगा, आते गाय पसंद आ गई, आते मेरे को पसंद आ गई और मैंने ओके कर दिया पहले। नमस्कार, सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई सुभाष बिश्नोई आप सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ, वेलकम। तो जो भी भाई आज चैनल पे पहली बार है वो सबसे पहले आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए घंटी के निशान को जरूर से दबा लें, जिससे कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप इंजॉय कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, बलोत्रा से आए हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से भाई गाय खरीदने के लिए। इन्होंने सतगुरु डेयरी फार्म से दो गाय परचेज की है, एक डेयरी फार्म से ली है और एक और किसान से ली है। तो दोनों गायों को कैसे इन्होंने ख़रीदा, कैसी ने गाय लगी यहाँ कर और आने में कोई टेंशन कोई और, किस प्रकार कैसे स्वभाव की गाय है, कैसी इनकी डील रही, ये आपको वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो जो भी भाई हैं वीडियो को अंत तक देखें, डिटेल आपको बताते हैं। तो भाई आए हैं, इनसे पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। राम राम भाई जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो भाई जी आप? मैं बलोत्रा से आया हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बलोत्रा बाड़मेर से? हाँ जी। कैसे गाय लेने आए सर? हाँ, गाय लेने आया था। कितनी गाय ली सर आपने? दो गाय ली है सतगुरु डेयरी फार्म से। अच्छा जी, कैसी गाय ली आपने? साहिवाल क्रॉस ली है। अच्छा जी, दोनों साहिवाल क्रॉस ही है। तो गाय मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छी, जैसे आपकी मन की इच्छा थी वैसी गाय मिली आपको? जैसे मेरे मन में थी वो गाय मेरे को यहाँ मिल गई। अच्छा, तो मैंने यहाँ से ली है और सुभाष जी भाई से मिलके भी बहुत बड़ी खुशी हो गई। कितने टाइम में गाय खरीद ली सर आपने? मैंने एक घंटे में खरीद ली, आते ही दे के ओके कर लिया मैंने। पहले सोच रहा था देखूंगा कैसे करूंगा क्या होगा, आते गाय पसंद आ गई, आते मेरे को पसंद आ गई और मैंने ओके कर दिया पहले। एक डेयरी फार्म से ली और एक अलग किसान अलग अलग से ली है। वो दूसरी गाय कैसी मिली आपको? वो भी मेरे को बहुत अच्छी गाय लगी और बहुत अच्छी मिली गाय मेरे को। दूसरी गाय भी आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। तो भाई ने ये दो गाय ली है बाड़मेर से। बाड़मेर से ना? हाँ, बाड़मेर से। राजस्थान में बाड़मेर गुजरात बॉर्डर पे रह जाते हैं। हाँ जी। बलोत्रा तहसील पड़ती है क्या? बलोत्रा तहसील है, शहर भी पड़ता है। सिटी है? सिटी है। तो वहाँ से आए हैं भाई जी, उन्होंने गाय खरीदी है, कोई आने में कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को यहाँ। बढ़िया बढ़िया, आपके सतगुरु डेयरी फार्म में रहने के लिए भी सुविधा भी बहुत अच्छी है और मेरे को यहाँ लगता है जैसे मैं कोई स्वर्ग में आ गया हूँ, यहाँ कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा माहौल मिल रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने दो गाय परचेज कर ली है और भाई आज ही लोडिंग करके जाएंगे, इनका पूरा आपको बताया गया, इनका एड्रेस वगैरह। तो कोई भी भाई यहाँ के गाय परचेज कर सकते हैं, औरों को भी क्या सर मैसेज है, और भी बायर हैं व्यूअर हैं, क्या मैसेज है उनके लिए आपका? हमारा मैसेज ये है भाई, यहाँ पे गाय आपको सही विश्वास से और अच्छी क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे सुभाष जी भाई बड़े विश्वास के साथ काम करते हैं यहाँ पे। वो कोई बात नहीं, भाई का जो एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने जाहिर किया। हाँ। तो आप हम चाहेंगे भी आप यहाँ आके ही खरीदें। हाँ, वो टाइम रह के देख के। हाँ। भाई ने भी आके देखा है फिर ही पता लगता है। हाँ। आके देखें फिर ही खरीदें। तो सभी भाइयों का धन्यवाद। राम राम जी। तो भाई से आप मिले, भाई ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ये गाय भाई ने खरीदी आप देख सकते हैं, जिसपे भाई हाथ पहले घुमा रहे थे, शांत स्वभाव की बिल्कुल गाय है, पीछे बछड़ा है, बहुत ही अच्छी गाय है। तो भाई के होते भी कुछ और बायर आए थे, उनकी भी इच्छा थी यही गाय हम खरीदें, लेकिन भाई पहले आके बुक कर चुके थे इसको। तो काफ़ी शानदार सा क्रॉस ब्रीड में हल्का सा, इसमें बहुत ही अच्छी अडर क्वालिटी वाली गाय है, 20 लीटर के लगभग ये दूध दे सकती है। अभी 2 से 3 दिन की ब्याई है, इसमें लगभग 14 से 13-14 लीटर अब भी तैयार होगा। तो कुछ और भी गायें सेल के लिए हैं जिन्होंने देखी हैं, और एक इन्होंने ब्लैक कलर के अंदर गाय ली है, वो भी आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू है, आगे और मिलते हैं। तो दूसरी गाय भी आपको दिखाते हैं जो भाई ने परचेज की है, ये ब्लैक कलर के अंदर गाय है। तो एक और इन भाई ने परचेज की है, पीछे इसके फीमेल काफ बछड़ी है, अच्छी मिल्क कैपेसिटी वाली गाय है, सेकेंड लैक्टेशन में, बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं। भाई खुद ने दोनों गाय देख के खरीदी हैं, पूरा चेक कर कर, दूसरी बार ये ब्याई है, पीछे इसके बछड़ी है। तो और भी कोई भाई आकर या आकर विजिट कर खरीदना चाहे तो उनका वेलकम है। सतगुरु डेयरी फार्म, गांव केसरी सिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, राजस्थान में, ट्रांसपोर्ट की, रहने की और पूरी सुविधा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आने वाली और वीडियो में। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल।